पूज्यपाद स्वामी का उल्लेख श्रवण बीरगोला में आया है कि विदेह क्षेत्र में इन्होंने भी प्रस्थान किया और भगवान के साक्षात दर्शन किए। पेज नंबर 2 पर जो आशाधर जी ने मंगलाचरण किया है, सबसे नीचे है 2 पेज पर कि जो जिस गुण को चाहने वाला हुआ करता है वह उस गुण संपन्न पुरुष विशेष को नमस्कार किया। ये मंगलाचरण का उद्देश्य है कि क्यों परमात्मा को याद करना चाहिए। हम स्वयं परमात्मा, हमें अन्य परमात्मा के स्मरण करने की क्या जरूरत है। कहते हैं कि आप शक्ति से परमात्मा हो और भी अभिव्यक्ति से परमात्मा, और जिसे परमात्मा प्रकट करने का मानस होता है उसे वही व्यक्ति अच्छे लगते, जिसकी जिसकी होनहार होती ना तो उसकी ललना के गुण तलना में दिखते। यानी जन्म जात व्यक्ति कैसा होगा ये उसकी सोच से, संगति से, चिंतन से, मनन से पता चलता। तो अभी भगवान याद आते हैं, इसका अर्थ है जीव की भगवान जैसी दशा प्रकट करने की योग्यता पकी है या इसके पुरुषार्थ जाति का भाव जाति के सब यशोधर जी के नाम से आशाधर जी का स्मरण कराया उन्होंने कि उनको परमात्मा याद करने का उद्देश्य। गाथा में मंगलाचरण है 4 पेज, सभी लोग पढ़ना है इसको। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसका अर्थ है यस्य स्वयं, जिसने स्वयं स्वभाव आपके स्वभाव की प्राप्ति की, कैसे की है? स्वयं ही की। कैसे पता चला कि कृत्य कर्मणा इसके कर्म सब नष्ट हो गए। इसे क्या प्राप्त हो गया कि तस्मै संज्ञान रूपाय, इसे अपनी ही शक्ति की अभिव्यक्ति यानी सर्वज्ञ स्वभावी होने से सर्वज्ञ दशा प्रकट हो गई। हम ऐसे भगवान को नमस्कार करें, भगवान की वंदना का भी तरीका। हम उस व्यक्तित्व को नमस्कार करते हैं जिसका पुरुषार्थ वज्र का, निज वज्र पौरव से प्रभु अंतर कल सब हर लिए, आपने विजय प्राप्त की मूल की सेना का।
आपने अपने को पहचाना, अपनी सामर्थ्य को जाना और उस सामर्थ्य का लाभ ले लिया, ये आपके इस विजय की जय, इस पुरुषार्थ की जय। यानी ये बताता है मंगलाचरण, ये मार्ग पुरुषार्थ वालों के हाथ में आए, जैनियों के हाथ में जिनेन्द्र बनना नहीं है, जितेंद्रियों के हाथ में जैन बनना। बड़े पंडित जी की बात, जितेंद्री व्यक्ति जिनेन्द्र बने, जैन नहीं बनेगा। तो आपको जितेंद्री होना, यानी यहाँ इंद्रियों से हारते हो तो आप इंद्रियों को हराओ। तो कैसे हराए, इंद्रियों के बिना ही मेरा अस्तित्व परिपूर्ण, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, ऐसा स्वभाव का गौरव गर्व जिसे आता है उसकी पवित्र दशा खिलखिलाने लगती है, प्रकट हो जाती है, वो व्यक्ति सूखने लगता, सुखी हो जाता है। स्वाधीन व्यक्ति सुखी है और पराधीन व्यक्ति दुखी। अब पराधीन कोई करता नहीं है, ये पराधीन हुए बिना रहता है। और स्वाधीन व्यक्ति को स्वाधीन कराना नहीं है, स्वरूप ही स्वाधीन। तो ऐसा मंगलाचरण है आज का, कि जिसको स्वामी जी के प्रवचन, जिसको संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर भगवान परमात्मा जिन्हें संपूर्ण कर्मों का भाव हुआ है, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो। जैसे 700 मुनिराजों का उपसर्ग टला, तो पता कैसे चला कि टला, कि देखो ये कजलिए था, वो उखाड़ के लाए घास को जो उगा दी, तो सब ले लेके भागे, सबको प्रसन्नता हो रही, तो सब बताते थे देव कजलिए, देव वो फड़ गया, यज्ञ सब खत्म है। कजलियां देखे और उपसर्ग टल गया, ये दिख गया। ऐसे ही भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कैसे हो गया, कि आगम ये कहेगा कि 5000 धनुष ऊपर उठ गए, बड़े पुरुष ऊपर वाले पुरुष ऊपर है, तो आंख से भी देखो तो भगवान भगवान देखो। फिर करणान युग से कहोगे तो देव इनकी चार घातीय कर्म चल, तो द्रव्यान युग से कहोगे कि जैसा स्वभाव था वैसा अभिव्यक्त हो, प्रथमान युग से कहोगे ऐसे पुरुष की राग देखी हो, वितराग का सर्वज्ञता होती। इस तरह से ये सर्वज्ञता कहो, परमात्म दशा कहो, भगवान पना कहो, अनंत सुख कहो, ये प्रकट कैसे होगी, क्योंकि अपने आप को अपने आप में अनंत पुरुषार्थ, कुछ नहीं किया और हो गया, तो कुछ करते हो इसलिए नहीं हो। जो भी जीव धर्म के नाम पर करता है वो जीव का स्वभाव है। यदि करने की कुछ व्यवहार में चर्चा है इतनी है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, तत्व अभ्यास करो, अपने को ज्ञाता दे, कुछ कर सकते हो तो भेद ज्ञान का निर्णय करो, निज को निज और पर को पर जानने का प्राइमरी कारोबार, बाद में ये भी काम नहीं, वो अपने आप निज को निज जानता रहता है, पर को पर जान। ऐसे स्वभाव की प्राप्ति हुई और स्वामी जी ने कहा इस प्रसार से ही, इसमें क्या पुरुषार्थ लगा, देखो लिखा दर्शन श्रद्धा ज्ञान और चारित्र रत्ना त्रयात्मक पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त, परमात्मा हुई वे भी आत्मा थे, और ये पुरुषार्थ हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। पेज नंबर 5, परमात्मा ने आत्मा में कौन सा पुरुषार्थ किया, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ। अब आप करो अच्छा स्वभाव सन्मुखता को करो, करो आप सब बैठे तो फ्री पकड़े तो है नहीं, आप अपना उपयोग अपने में लगा, कि बिना तत्व निर्णय की नहीं लगेगी, लगाओगे भी तो अंधेरा दिखेगा, विकल्प दिखेंगे, अशांति दिखेगी, नहीं लगेगी। ये बहुत वज्र का मार्ग है पुरुषार्थ का, कि जीव जिसके तत्व निर्णय होता है उसका उपयोग लगाना नहीं पड़ता, लगता है, क्योंकि वहां बाहर में कुछ नहीं दिखता, बाहर में मरुस्थल जैसा दिखता है, जैसे राजस्थानी रेत कुछ दम नहीं। ऐसा जीव को जब अपना आत्मा भगवान दिखता है और जगत में शून्य दिखता है तो उसका उपयोग पलट जाता है। तो नरेंद्र मोदी चाय बेचने वालों को देखने का मन होता होगा, द्वार
स्वर्ग में जाने वाले कभी भारत में दोबारा लौट के आ गए? एक बार ये छुट्टी मिली और ऐसी जगह पहुंचे जहां से मन नहीं होता उस वापस से। वादिराज मुनि ने लिखा कि हमें पुरानी याद करते हैं तो हमारे घुटने टूटते, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई भाले मारता, तो हम याद भी नहीं करना चाहते नरकों के और गर्भ के दुख। इसलिए सिद्ध भगवान कभी संसार में नहीं आते, उन्हें असली ठिकाना पता चल गया कि मैं तो भगवान हूं, यहां है क्या, यहां तो कुछ है ही नहीं अपना। यहां अपना कुछ नहीं है इसलिए भगवान लौट के लिए, वहां सब कुछ अपना है जहां वो जमे। ये मंगलाचरण गिना रहा, स्वयं स्वभाव प्राप्तिर यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर, जिसने स्वयं ही अपने स्वभाव को प्राप्त किया है। स्वभाव को स्वयं ने प्राप्त किया नहीं, किसी के सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है कि कोई सहयोग दे सकता ही नहीं है, तो दे सकता ही नहीं। प्रकृति की व्यवस्था है कि किसको फुर्सत है, कौन किसी को सुखी करे, कौन किसी दुखी करे, ये मंगलाचरण में है ये प्रतिक्रिया। स्वयं पुरुषार्थ की प्राप्ति से प्राप्त कर लिया और सर्व कर्म का अभाव हो गया, करे नहीं अभाव, अपने आप कर्म चले गए। ये 26 नंबर का या 27 नंबर का श्लोक है मानसून स्वामी, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषै तम संसृतो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपाति विविधाश्रय जाति गर्वै स्वपनांतरे न कदाचित पीक्षितोसी। स्वप्न में भी वो आपकी तरफ नहीं है। उसने पूछा कि थोड़ा बहुत भगवान की पास भी तो जाया करो, कर्मो। तो वो कह रहे भैया एक आदमी नहीं सही, पूरी दुनिया हमें आमंत्रण कर, तो एक आदमी आज ही सर बच गए और सारी दुनिया उन कर्मों की चपेट। ऐसा मानतम स्वामी ने उसमें याद किया। थोड़ी सी तात्विक बात स्वामी जी ने इसमें की, पेज नंबर 8, आज 8 पेज से चालू है। आत्म पारतंत्र निमित्तस्य, निमित्त है परतंत्र आत्मा अपने स्वभाव का भान न करे, स्वयं परतंत्र हो, इसमें कर्म का क्या दोष है? किसी ने नहीं कहा कि तुम घर लौट के आना, कमल कुमार जी डॉक्टर साहब, और ये खुद ही लौट लौट के घर जाता है तो वो घर क्या है? कोई भी पत्नी पुत्र परिवार आपको वापस नहीं आने के, मंदिर गए ना अब मुख चले ना नसीब। हर आदमी भूखा प्यासा से लौट के जाता है और फिर वही मांगने लगता है। परतंत्र बनाया नहीं है, ये बना बनाया बनिया। इसे कहता नहीं है कि तुम दुकान खोलो, तुम फूल सोंगो, तुम रूप देखो, तुम कर्म के उदय में जुड़ो, तुम अपने को शरीर से जोड़ो, विचार करो, ये कोई नहीं कहता। और ये स्वयं ठगा हुआ बहिर्मुख होता। बड़े पंडित जी ने तो ये विसर्जन पाठ में इतनी अच्छी पूजन कर रहा था, अब तो सीधा आत्मा में जाना था, एकदम से पूजा का भाव विसर्जन कर पाप भाव में कूद गए। ये तो अनादि की कुटी हुए तज नीम हलाहल जहर, कैसा कैसा परिणाम है, इतना खेरता नहीं जरा था, विशुद्धि हुई थी, अब तो इसका प्रसंग आया था आत्मा देखने, तो एक मिनट में धोती बदल का पर पूरा विशुद्धता को खो देता, वहां मजाक भी कर सकता। इसे किसी ने परतंत्र बनाया नहीं, स्वभाव का भान खुद नहीं कर रहा, ही कह रहे स्वभाव का भान ना करे तो स्वयं परतंत्र हो गया है। इसी परतंत्र कोई कर्म नहीं कर रहा कि दर्शन वो नहीं चाहता, तब उस परतंत्रता में कर्म निमित्त कहलाता है। अभी समय सारणी निकल रहा, कर्म नहीं कराता है राग,
कि स्वयं जब लाभ करता है तो कर्म का उदय निमित्त बन, बीच में नीचे अशुद्ध उपादान है ना, अशुद्ध उपादान कहो, व्यवहार कहो, निमित्त कहो, पूर्ण शुद्ध उपादान भगवान उसी विकार तो ही क्षणिक क्षणिक निमित्त वर्तमान व्यवहार मात्र ही है। इतनी पराधीनता में उसे विकार जल कर्म को पराधीन में निमित्त भाग है। यानी ये कह रहे हैं कि त्रिकालिक द्रव्य भी पवित्र है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। ये जो परतंत्र बनी है वो क्षणिक परिणति बनी है, कर्म ने नहीं बनाई, जगत ने नहीं बनाई, ज्ञायक ने नहीं बनाई। ये कह रहे स्वभाव में ऐसी एक शक्ति नहीं है जो परतंत्रता प्रकट करे। एक दूसरे द्रव्य में ताकत नहीं है कि तुम्हारे उपयोग को खींचे और तुम्हें आकर्षित करे, और ये खुद ही खींचता। लंदन चले पंच कल्याण को, अमेरिका चले पंच कल्याण नहीं देखना, तुझे लंदन देखना। पंच कल्याण तो जबल इंडिया में बहुत होते, पर अमेरिका जाने के भाव क्यों आता? क्योंकि वहां मांसाहारी व्यक्तियों को देखते हैं, वो भी कैसे जी रहे, यहाँ की हवा खाने लायक नहीं। श्वेतांबर मूर्ति के बाजू में दिगंबर मूर्ति बिठाना पड़ता, ऐसे कल्चर है, तो भी जाता है। ये तीन बताए, परद्रव्य ने परतंत्र नहीं बनाया, कर्म के उदय ने परतंत्र नहीं बनाया, स्वभाव ने भी परतंत्र, और फिर भी देखो इतना बड़ा संसार कितना चक चल रहा, कैसी हरचक, कैसी जन्माष्टमी, देखे कैसी भीड़ लगती, और गृह विद्या की दुकानें बढ़ती है, देखो कितनी बढ़ती है। लिखा अपने शास्त्रों में तो पहले से लिखा कि घर घर भूत नाचेंगे, अरे जीनी भी भागेंगे उनकी तरफ, जो मंदिर नहीं आते वे उस मजार की पास जाते, उसमें से निकलते नीचे जीनी दूध पिलाते हुए, अनंत भव बाकी है ना, कैसे मान जाए। ये पता भी चल गया कि मारी 24वां होगा तो अकड़ गया कि 24वां ही क्यों, और उसे इतनी बड़ी विधाता मिल जाए कि भाई साहब तुम्हारा नंबर लग गया 24वें हो गए, धन्यवाद आपको, तो खुश होना था, वो नाराज हो, क्यों हो गया नाराज डॉक्टर साहब, वो नाराज क्यों हो गया, जैसे कोई आदिनाथ बनाने बैठे हो। इस ग्रंथ को जैन ग्रंथ का, जैन ग्रंथ का ये 9 पेज पर सबसे नीचे स्तूपदेश इसका नाम है, और इष्ट यानी भला, और उपदेश यानी उप यानी समीप, देश यानी देशना, जो देशना आपको समीप ले जाकर आपका इष्ट करे, ऐसी दिव्य ध्वनि सुनना चाहिए जैसे मेरे लिए कथा कही जा रही, तो फिर आपका हित भी उसमें गर्वित है। तो इसे लिखा कि संसार से दुखित प्राणियों के लिए ऐसा परम पवित्र उपदेश, ये तो परम औषधि का काम करेगा। छोटा सा ग्रंथ है, 52 गाथाओं और गजब का ग्रंथ है, कितनी भाषाओं में छप गया, और सबको याद करना चाहिए। इसकी हिंदी पद तो इतने सुंदर बने हैं, ये अपने यहाँ हो छोटे छोटे पुस्तकों में छपते थे पहले, इसमें नहीं छापे उन्हें, वो इतने सुंदर पद हैं कि आप पढ़ोगे तो रुट जाएंगे, और 52 याद करने में देर नहीं। इसी जिन उपदेश ने कहा, थोड़ा सा एक मर्म की बात समझना है, 11 पेज पर ये जो परिणति प्रकट होती है, कौन सी, जो भगवान की जिससे अपन ने वंदना किया कि आपको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत चतुष्ट के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, ऐसे अपन उनको स्मरण करके नमस्कार करते। तो ये बताओ कि ये जो पर्याय प्रकट हुई मोक्ष तत्व केवल ज्ञान, ये ज्ञायक आत्मा से तादात्म्य है कि अलग अलग, ये द्रव्य से पर्याय तादात्म्य होती है कि द्रव्य भिन्न होता है पर्याय भिन्न है? समय साल जिनने पढ़ा है उसे मोक्ष भी स्वांग, मोक्ष निष्क्रांता समर निर्जरा निष्क्रांत सदा निकल गए, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में नहीं कहा कि निकल गए,
और सब अधिकारों में कहा कि निकल, यानी वो स्वान। अच्छा अब आज नई बात पढ़ो, नई बात यानी समय सार से थोड़ी हट के प्रवचन सार की बात। एक समय की अवस्था बीच में 11 पे, एक समय की अवस्था प्रकट हुई प्राप्त हुई, वह एक समय की पर्याय तो रहती है, कितनी देर रहती, केवल ज्ञान हो चाहे सिद्धदशा हो, एक समय से ज्यादा नहीं है, दो समय नहीं रहते, और फिर नई नई आती, उसे कथनचित तादात्म कहा जाता है। इसलिए उसे कथनचित तादात्म सही बात है, परंतु कथनचित यानी किसी अपेक्षा से तादात, अर्थात एक समय की अवस्था से तादात्म है द्रव्य, ऐसे सब प्रकार तादात्म जो गुण है द्रव्य है ऐसे नहीं है कि प्रकार तादात्म। सूचना कभी क्या कह रहे कि ये जो पर्याय प्रकट हुई अनंत सिद्धता के आनंद की सुख की, तो ये पर्याय द्रव्य से प्रकट हुई कि पर्याय अपनी योग्यता से प्रकट, पर द्रव्य से तो होती नहीं कोई पर्याय। पहली बात, दो द्रव्यों में तो अत्यंत भाव, तो पर द्रव्य से नहीं, तो ये सौ द्रव्य से हुई कि नहीं, तो सौ द्रव्य से हुई तो अनादिकाल से सौ द्रव्य क्यों नहीं, कोई ने रोका था इसे कि केवल ज्ञान ना लो, और जब द्रव्य में शक्ति है तो उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए, तो कहते नहीं होगी, क्षण को बाद आम से होगी, समर्थ कारण है क्षण को बाद, रहीकालिक उपादान असमर्थ का, निमित्त उपादान का पाठ पढ़ो, त्रैकालिक उपादान से होगी पर त्रैकालिक उपादान से ही वैसी नहीं, उस समय उसकी सत्कार की सामर्थ्य होगी, दो उत्तर होगा। तो ये जो पर्याय प्रकट हुई द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य की बिना नहीं, और द्रव्य होने से भी हो जाए ऐसी भी नहीं, वो तो अपनी तो समय की योग्यता से हो, दो उत्तर आए। अब तीसरी बात ये इसमें आई कि वो पर्याय द्रव्य से तादात में कि ऐसा द्रव्य बैठा है ऐसा पर्याय बैठा, और यदि हम ऐसा माने कि द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है तो क्या नुकसान है, और द्रव्य में सर्वथा तन में माने तो क्या नुकसान, तो जरा यदि प्रश्न आया है, यदि हम द्रव्य से पर्याय सर्वथा तन में माने सती हुई है तो क्या नुकसान, पर्याय के नाश होने से क्या हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, पर सोने की चेन तो टूट जाती है, सोना नहीं टूटती, आत्मा की दृष्टि तो मिथ्या हो जाती है, आत्मा मिथ्या नहीं, आत्मा की दृष्टि तो सम्यक हो जाती है पर आत्मा नहीं होता सकता। तो एक तो ये है कि पर्याय से सर्वथा तादात्म होती तो फिर द्रव्य के नाश का प्रसंग आता, और दूसरा स्तर यदि कथनचित भी तादात्म नहीं हो तो क्या नुकसान, कमल कुमार अलग लगते हैं, नौ तत्व अलग है और जी तत्व किसी की पर्याय तो पर्याय तो पर्याय गुरुदेव कहते हैं कि त्रैकालिक तादात्म नहीं है क्षणिक तादात्म, और समय सार कहता है कि क्षणिक तादात्म नहीं है, नव तत्व घतत्ते भी यदि एकत्व न मुंचत, नव तत्व में पसरा होकर भी एकत्व को छोड़ते ही नहीं है, नव तत्व है जीव तत्व जीव तत्व। अभी बताने से क्या बताने चाहते कि कथनचित तादात्म है यानी बिना द्रव्य के पर्याय नहीं हो, पंचास्तिका ये पक्का करो, ये प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, यदि तादात्म नहीं हो तो आनंद यहाँ आएगा और द्रव्य यहाँ बैठा रहेगा, तो आनंद किसे आएगा, पर्याय को, तो पर्याय को आना हुआ है, जब वो द्रव्य नहीं तो हमें क्या जरूरत। अरे भैया हम ही को आनंद आता है, हम ही है आत्मा, हम ही अनंत होंगे, हम ही सिद्ध होंगे, ये भी समझना है, और अरहंत सिद्ध हो या ना हो इसके बिना भी मैं परिपूर्ण, ये भी समझना है। समय सार की शैली कोई लोकोत्तर शैली, वो कह रहे नौ तत्व की तरफ भी नहीं देखना है, ऐसा ज्ञाय उसके बिना ही परिपूर्ण नहीं,
तब आपको ज्ञायक परिपूर्ण भले प्रमाण का अंश दिखे पर अपने आप में अंश नहीं है पूरा। माता जी के बचन है स्वानुभूति दर्शन, इसमें समझ में आया होगा इतनी मेहनत गुरुदेव करते अपने लिए कि क्यों स्वयं स्वभाव आप तेरे में प्रसाद दिखा दिया, उनने कर्म में कुछ नहीं किया और कर्म अलग होगा ये बता दिया, और कथनचित तादात में कथनचित तादात में नहीं है ये श्री गुरुदेव ने। नमा समय साराए स्वानि भूत्या चकासते स्वभावाये भावाये सर्वे भावान्तरच्छदे। 137-138 गाथा है, ये द्रव्यनियुक्त का कह रहे थे, आत्मा बताते रहे द्रव गुण पर है। 137-38-39-40 गाथा है, प्रणाम हमको। जय जीवेण सहज पोगल दबस्य कम परिणामो एवं पोगल जीवाहु दोवि कम्मत मावणा एकस्य दुपरिणामो पोगल दबस्य कम भावेण ताजीव भावये दुई मृणा कम्मस्य परिणामो जो कर्मे रूप परिणाम जीव के साथ पुदे गले का बने तो पुदे गले वो भई कर्मे बन पावे का पढ़ना। यदि पुद्गल द्रव्य के कर्म परिणाम के निमित्त भूत ऐसे रागादि अज्ञान परिणाम से परिणमित जीव के साथ ही यानी दोनों मिलकर ही कर्म रूप परिणाम होता है ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी का दोनों का मिलने पर लाल रंग रूप एक परिणाम प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार पुद्गल और जी द्रव्य दोनों के कर्मरूप परिणाम की एक होने की आपत्ति खड़ी होगी, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक पुद्गल द्रव्य के ही कर्मत्व रूप परिणाम तो होता है, जीव कभी कर्मरूप परिणमित नहीं होता है। जीव का तो रागादि अज्ञान रूप परिणाम इसमें भी निमित्त होगा यदि तो कर्म का उदय होगा, उससे भिन्न ही पुद्गल कर्म का परिणाम का समझ में आया। ये कह रहे हैं कि एक जगत में कारमार वर्णा से निर्मित कर्म सत्ता और ये जगत में छह द्रव्यों में जीव राजा, अब जीव राजा के वर्तमान परिणति में दो तरह के परिणमन, एक स्वाभाविक और एक वैभाविक। अब स्वभाव रूप परिणमन की यहाँ चर्चा नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि जीव की दशा में रागादि परिणाम होते हैं, कहाँ होते हैं, जीव की अवस्था में राग देश मोह के परिणाम होते हैं और ये परिणाम और कर्म के वर्णना के कर्म रूप होने के कारण दोनों ने मिलके कर्म बनाया हो तो क्या नुकसान ही पूछ रहे, ये गाथा पूछ रहे। जीव के राग देश मोह के परिणाम यहाँ हुए और वहाँ कारमार वर्णाए कर्म रूप पढ़ने में तो वहाँ हुई, तो जीव ने और कर्म ने दोनों ने मिलकर कर्म की उत्पत्ति की, इसमें क्या हर्ज है, कौन बताए, एक तो एक बहुत बड़ी आपत्ति आएगी कि यदि अजीव जीव कर्म का साथ देकर और कर्म के परिणमन को कराए उस रूप हो जाए उस कराए तो उस रूप से होना पड़े,
व्याप्त व्यापक पना का संबंध बनेगा तो जीव की सत्ता नष्ट होगी पर पुद्गल कर भी दिखे। एक दूसरा डॉक्टर साहब है अभी वो दूसरी गाथा में आएगा, वो दो गाथाएं उनके लिए लिखेंगे। अभी तो आपको एक तरफ सोचने की दो गाथाएं। यदि जीव कर्म के परिणाम को यानी कारमार वर्णाओं को कर्म रूप परिणमित कराए, क्योंकि बेचारा वो कर्म तो जानता नहीं, समझदार ज्यादा ये जीव ही, तो जीव अपनी बुद्धि लगा के उसे कर्म रूप परिणमित करा दो, बुद्धि नहीं लगा तो राग लगा, राग से कर्म पड़ा दो, तो क्या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान एक और है। एक तो माता जी ये कह रहे हैं कि फिर फल भी दोनों को भोगना चाहिए। अभी तो कर्म से बात की जा रही कि कर्म तो कभी फल भोगते ही, क्यों नहीं भोगता कर्म फल? वीरेंद्र जी पुद्गल कह के फुर्सत हो गए। ये जीव ने राग देश नहीं कराए हैं तो वो फल क्यों भोगे? अभी तो उसकी गाथा आ गया है। ये जो कर्म वर्गना है स्वयं कर्म रूप पढ़ने में होती है, उनका तो नेचर है, इसलिए उनको सजा नहीं होती। वो किसी को राग देश कराती कहाँ है? वो तो बंद हो जाता है और छूट जाता है। पुद गल पूरन गलन उसका तो धर्म है, उसको तो एक शिकायत नहीं अनंत भगवान से कि जीव हमें ऐसा क्यों करा। इसलिए कर्म को सजा तो मिलना नहीं चाहिए। बीड़ियों को सजा क्यों नहीं मिलती? जो ये हमने कोई गलती नहीं की, तुमने गलती की तो तुम्हारी शोभा क्या क्या भूल हो रही है जो समझाना चाहती है, अभी तक समझाना चाहती इतनी गाथाओं के बाद एक द्रव दूसरे द्रव का करता है, बताओ क्या बताना चाहती इसका दिखा? अरे वो ये समझाना चाहते हैं कि वस्तु की स्वतंत्र परिणामशील व्यवस्था है, समझो अच्छे से। हर वस्तु अपनी मर्यादा में रहकर अपना परिणाम प्रकट करने में समर्थ है, कोई किसी के सहयोग की उसे जरूरत नहीं है। ये कर्म स्वयं कर्म रूप परिणमित हो ऐसा उनमें धर्म पड़ा, कारमार वर्ण आहार वर्णा में नहीं पड़ा, ये द्रव कर्म वाला धर्म सोने में नहीं पड़ा, चांदी बनने का धर्म चांदी में नहीं पड़ा, है सोना बनने का धर्म सोने में ही, सोने के जेवर बनने का धर्म पड़ा, आटे में ही रोटी बनने का धर्म पड़ा, बाई में नहीं पड़ा। वो कितना करुणा का परिणाम है कुंदकुम देव के। वो कह रहे हैं कि दो मिलकर के एक काम नहीं करते, अच्छे से समझ। हर द्रव्य अपना परिणाम करने में बिल्कुल अहेतु परिणाम करते, इसलिए किसी को दोष नहीं लगा सकता ये इसने ऐसा क्यों। अभी तक जब तक ये गाथाएं नहीं पढ़ोगे आपके सर पर इतने दोष दिखेंगे, पाकिस्तान पापी है, आतंकवादी पैदा करता है, इसे ऐसा होता है, इसने ऐसा किया। एक एक जीव को तुम्हें दोषी देखना पड़ेगा यदि स्वतंत्रता नहीं देखी। ये कहते हैं कि वस्तु बहुत व्यवस्थित अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है, एक भी वस्तु में गड़बड़ी नहीं है कि ये प्रोजेक्टर का पर्दा ऐसा क्यों वहां क्यों नहीं लगा जैसे यहाँ लगना चाहिए। ये कोई सुनाई नहीं होगी, इससे पहले से अनादि अनधन ये व्यवस्था में है कि 2600 वर्ष बाद महावीर स्वामी के बाद प्लास्टिक ऐसा प्रोजेक्टर का रूप धारण करके इस जगह लगते गए जहाँ घड़ी लटकती। करो तुम कर्तव्य बनो क्या? अहेतुक प्रणमन कह रहे अहेतुक, तुम्हारे हाथ से नीचे खसकता दिखता है और ऊपर जाता दिखता है। वो कह रहे अपनी योग्यता से ऊपर नीचे होता है, बनिया तुम अपना कर्तव्य तोड़ो। हमने ऐसा किया ऐसा किया, मैं करता मैं कीनी ऐसी, अब यूं कहो करूं मैं जैसी, ये विपरीत भाव है जा मैं सोवर ते मिथ्या दशा में, हम बुद्धि मिथ्या दशा धरे सुमिथ्यावन, झूठी करनी आचरे पड़े जगत की पन, करे करम सोई कर तारा, जो जाने सो जानन हारा,
जाने सो करता नहीं कोई, करता सो जाने नहीं कोई। जैसे विभाग अलग अलग है, करे कर्म सोई करता, जो प्रोडक्ट है प्रकट करता है वो द्रव उसका करता, करता और कर्म में अनन्यपन। अभी जबरदस्ती मैंने ये किया मैंने, बड़े पंडित जी ने सब कहा संजय भैया कि तुमने बच्चों को पाला पोसा 20 साल का कर दिया, तो एक विनय हमसे आप 18 साल का कर दो। जब तुम 20 का कर सकते तो 18 का करके बनो, और जब वो 20 का हुआ है तो तुमने क्या किया? अच्छा तो बच्चों को पालने पोसने का भाव नहीं आता, जब भाव से दुखी हुए बंद बांधा पाला पोसा तो वो अपनी योग्यता, तुम्हें तो राग मचकता है। छोटा सा बच्चा क्या जाने के पिंक कलर की फ्राक लेना है कि व्हाइट कलर की, लेते तुम हो नाम असली, दादी का मन नाचता है और बदनाम बच्चा। समझ में आ रहा है करना इनकी, कि ये दो मिलकर के एक काम नहीं कर रहे। अच्छे से सोच लो कि बाई और आटा दोनों मिलकर के रोटी नहीं बना रही है। कमल कुमार जी कौन बना रहा रोटी? डॉक्टर साहब भी इसे ठीक करें और दवाई भी ठीक करें और साता वेदनी भी ठीक करें और जीव भी ठीक करें, इतने लोग विभाग पकड़ लें। वाह वाह, यदि ये माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं, तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हुए, दोनों मिलकर एक कर्म बन गए। परंतु जीव तो कभी भी, आज तक कसम भगवान, आज तक जीव कभी अजीव बनाओ, कर्म बनाओ, शरीर बनाओ, राग द्वेष कसाय बनी हो, कभी नहीं प्रतिज्ञा लिए बैठा है कि मैं परद्रव्य रूप परिणत नहीं हूं। अस्खल स्वभाव, परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता, इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम। समझ में आया? जीव का परिणाम राग द्वेष मोह अलग ही है, अलग है। तुम्हारी इच्छाएं अनंत होती, अपार होती, बता देना उन इच्छाओं के अनुसार क्या क्या हो। कसाई खाने भारत के बंद, बड़े बड़े महाराज जियों ने कितने लाल किले तक पर भूल, कैसा देश कृष्ण की नगरी, देश कृष्ण का देश, गऊएं पलती थी, कैसे कैसा समय आ गया, गांधी जी का देश, कैसे तीर्थंकरों का देश, कैसे महापुरुष हुए, किस देश में क्या हो गया, खून की नदियां बह। आचार्य श्री ने बात कर ली और वो कौन से चले गए भाई, शरण सागर जी ने कहा कितना का बताओ ये किसी के ऊपर। और हर जनी चाहता है हुए सारी प्रजा को सुख, बलिय तो धर्मधारी नरेशा, हुए वर्षा समय पे तिलवर न हो व्याधियों का। कितना जैनी भावना भाता, अरे तुम जैनी कितना भाव के कीर्तन कर दो, तीन लोग के जीवों का हिस्सा है। और आज तक 608 से ज्यादा कोई 100 लड़ गया हो, कि 170 कीर्तनकर आए तब तो धक्का लगना था ना, एक बार तो 617 हो जाते, 609 हो जाते, परंतु कितने गए मोक्ष, 608 गए। कितने तीर्थंकर गए भरत क्षेत्र में, 24 ही हुई। कितने नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती कामदेव बलभद्र, सबकी संख्या सुनिश्चित, अरे 700 करोड़ सम्यक दृष्टि, 2.5 दीप में, 4वें गुरुस्थान में, 13 करोड़ 5वें में, 5,93,098 5,93,098,206 छठवीं में, इसी आधे सातवीं में, फिर 298 298 ग्यारहवीं तक 598 ये तो इनकी संख्या रिजल्ट, 898,502 तेरहवीं में। तुम बताओ ये काक बढ़ा घटा के बताओ, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात, अच्छे से समझ जाओ। पुद्गल द्रव्य बहरा है, तुम्हारी बातें नहीं सुन, अब तो शांत बैठो अंदर में, किसी बैठ जा मेंढक से कहो थोड़ी देर शांत बैठा, व्यंतर से कहो थोड़ा उपदेश तो सुनने आया करो कि साहब हमारी ऐसी प्रगति है गंदर जैसे, हम बैठे नहीं सकते।
अपने मंदिर में एक व्यक्ति है, उससे कहा कि थोड़ा बैठो रजनी भाई, तुम्हें कह गए कि मैं यहाँ ज्यादा बैठ ही नहीं सकता। वो दुकान में बैठा रहता पड़ता, वहां नहीं कहता कि यहाँ ज्यादा नहीं बैठ सकता। कौन समझाए, किसको समझाए? इसलिए शांति से तुम तो समझ जाओ, कोई समझे या ना समझे, कोई माने या ना भी माने, सबको भगवान देखो, सबको स्वतंत्र देखो, सबको अहेतु देखो। परिणमन शील स्वतंत्रता से परिणमित द्रव्य बहता जा रहा है, अनादि से अनंत पर्याय की सबके रिजर्वेशन। अब तुम्हें क्या करना होगा? दो गाथा और पढ़ना है, अष्टमी है। जीव से दुखम मीणय से परिणाम एवं जीवो कम चलो विरागादिमावरण एकस्य दुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिं ताकं मोदये दुहि यणा जीवस्य परिणामो जीव के कर्म के साथे यो भावेला को मरु जीरो भयही रागादी पावे पर रमन रागादी रूप तो होते हैं जीव एक के इससे करे मो नित से अलग जीव परिणाम। यदि जीव की भेड़ेंगे इसकी, अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम उद्गल द्रव्य से भिन्न ही। यदि जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते, यानी दोनों मिलकर रागादि रूप परिणाम करते, ऐसा मानना जाए तो क्या नुकसान? इस प्रकार जीव और कर्म दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाएंगे, क्या तैयार हो आप मानने? अपन ने कहा कि बिना कर्म के उदय के तो राग हो, तो ये कह रहे कि कर्म के उदय से राग हुए तो फिर कर्म का कुछ सहयोग जरूर रहा हो, और सहयोग तब दे सकता है कर्म जब वो जीव बन जाए। जैसे अभी अपन ने सोचा था जीव कर्म बन जाए, अब ये कह रहे कर्म जीव बन जा, अब बदल गई बात। पहले कहा था कि जीव कर्म बन सकता है क्या कि नहीं बन, अब कह रहे कि कर्म तुम्हें राग कराता है तो कर्म जीव बन गया क्या कि नहीं बना? कैसे पता चला कि कर्म जीव नहीं बना? छह द्रव आज तक छह द्रव, एक द्रव घटता नहीं और बढ़ता। इस प्रकार जीव और कर्म दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाए, तुम कहोगे हो जाए तो हमें क्या नुकसान? अरे तुम्हें तो नुकसान नहीं, फिर तुम बैठ नहीं सकते यहाँ, तुम बैठ गए ना तो उठ नहीं सकते। रागादि भाव को कर्म प्राप्त हो जाए, परंतु रागादि भाव से परिणाम तो जीव के एक ही के होते। अब ये पढ़ाई समझ में आई, यदि कभी राग रूप जीव परिणमता नहीं, राग आत्मा में होते ही नहीं। आज भी कह रहे कि आत्मा के बिना राग कहीं होते ही नहीं। जिसको रट गया है उसे तो कुछ समझ में नहीं है, जिसने पक्ष बना लेते कि हम तो ये बातें करते, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, जब ये भी नहीं आता तो वो भी नहीं आता, ये भी सर्व की वाणी वो भी सर्व। जीव के एक के होते हैं, इसलिए कर्मोदय रूप निमित्त से रहती अर्थात भिन्न ही जीव का परिणाम। आज क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जितना संसार चल रहा है इसमें कर्म के उदय की 1% जिम्मेदारी है, इतना भी इसमें भी निश्चिंता और स्वतंत्रता। यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए, ऐसी स्थिति में सुन चेतन तुझे शाश्वत सुखना मिल पाए,
तुझे शाश्वत सुख नामे पाए, तू चेतन करमा दीन नहीं है, पूजे गुरु की कड़ी मोहर, शांति स्वरूप को लक्ष्य हो जाएंगे सब संकट। ये दोनों गाथा पहले कही थी और अभी दोनों गाथा कहीं उनमें अंतर समझ जाएगा। पहले जीव परम रूप हो जाता तो जीव जीव नहीं रहता, पर जड़ बन जाता। अभी क्या कह रहे, यदि कर्म जीव के राग देश कराने में सहयोग देता निमित्त करता होता तो ये निमित्त नहीं रहता, एक दो, ये दो द्रव्य दो नहीं रहते, एक हो जाते, और दो द्रव्य एक हो गई तो पूरा विश्व भी एक होकर प्रलय को प्राप्त हो। फिर तीसरा दो, अत्यंत भाव का कुछ अस्तित्व नहीं रहता, फिर छह द्रव्य की सबका न्यारी है ही नहीं, तो अत्यंत भाव, फिर अतद रूपता की सत्ता नहीं रहती, फिर एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, अगर लोगों की मर्यादा टूट जाती, कितने दोष आते। अरे तत्रूप भी नहीं होता है, तत्रूप तत्र अन्य है तो चाहिएगा। एक बात कि ज्ञाकार और ज्ञानाकार में इसमें तत् असत का भेद पड़ा है, कौन सोचेगा ही? एक पर्याय में दो भाव अलग अलग, जो ज्ञाकार है वो ज्ञानाकार नहीं, और जहां ज्ञाकार वो ही ज्ञानाकार, लगाओ चैतन्य की चहल पहल ज्ञान स्वभाव, तो दो हो जाएंगे, वो दो एक हो जाएंगे, जीव और कर्म एक हो जाएंगे, तो कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि आज तक। अच्छा अभी 36 गाथा में देखो, ये राग देश मोह किसी किसके कही थी, भावक के भाव के 36 गाथा देखो, भाव भावक वहां, और आज क्या कह रहे 75 गाथा देखो, भावक के भाव वहां भी का, और आज देखो क्या कहते हैं, जीव के भाव। क्यों कह रहे हैं कि कर्म के उदय से तुम्हें अलग कर रहे हैं, कि कर्म का उदय जिम्मेदार नहीं है, हमने जो कथन की थी वो जीव स्वभाव को दिखाने के लिए कर्म में डाला, और तुमने तो कर्म में डाल के महंत बना ले लिया, फुर्सत हो गए, पाप का परिणाम जाने हमारा कोई दोष, कर्म का उदय नहीं की हम क्या करते, मंदिर नहीं आते डॉक्टर साहब रात्रि को, आई एम आस्किंग यू व्हाई यू आर नॉट कमिंग इन नाइट टाइम, हाँ कॉलोनी के मंदिर, हमारा मंदिर मंदिर नहीं तो कोई भी बहाना बनाओ, है ना। तो वो कह रहे भाई साहब तुम अपनी जिम्मेदारी सोचो, कि जहां भूलता भगवान है वहां बंदे जो मौन लिए उन भगवान से तुम कितनी प्रेरणा लो, कोई इंद्रभूति गड़बड़ तो हो गए नहीं कि तुम मौन उन भले बाबा से सीखो, कुछ कह रही जिनवाणी के हिसाब, कोई भी बहाना करते हो, नींद क्यों आ रही, दर्शनावरणी का उदय ये नहीं चलेगा, नित्याग के दर्शन होने के उदय से वीरन भी ये क्या होता है, याद कर्म सुना दर्शन मोहनी, इसके उदय से क्या होता है, जमीरा में नहीं बैठे जबलपुर में बैठ रहा ये कर्म दूसरे कर द्रव्य के परिणाम करा दे, विश्व की व्यवस्था पराधीन हो जाए, परंतु कर्म का उदय जीव का कुछ भी नहीं करा सकता, बता रहे ताकत लगाओ, और कर्म में दुखी होने में शक्ति, जो दुखी होते हैं ना उसमें ऐसी शक्ति पड़ी है निमित्त होने की, उपादान वाली सकते नहीं, बराबर समझना पड़ेगा, नहीं तो जिन्हें मिले नहीं मिले बराबर। टीका, यदि जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों मिलकर के राग आदि अज्ञान रूप परिणाम कराए, ऐसा तर्क उपस्थित तुम करो तो जैसे वही फिटकरी दूध ऐसा चूना लगाने, क्योंकि फिटकरी और हल्दी से नहीं होता लाल, परंतु फिटकरी जैसा है तो उसको दोनों को मिलाओ तो लाल रंग बनता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल मिलके दोनों ने मिल करके एक जो तुम्हें यहाँ से उठकर घर जाने की पर्याय कराई, तो तुम बेचारा कर्म को दोष नहीं देना, क्योंकि वो अचेतन है उसे सजा नहीं देना, दोनों ने मिलकर ये राग का परिणाम उत्पन्न नहीं किया है, जीव और पुद्गल दोनों के रागादि रूप
अज्ञान रूप परिणाम की आपत्ति आ जाएगी, भजन तो हमें क्या नुकसान, परंतु वो सजा तो उसको कभी नहीं मिलती आज तक, किसी ने कर्म को सजा प्राप्त करते नहीं देखा। परंतु एक जीव के ही रागादि अज्ञान रूप परिणाम तो होते हैं, उद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त हो सकता है, और निमित्त उसे कहते हैं जो जो उस कार्य का कर्ता नहीं होता, अकिंचित कर ही होता। देखो निमित्त अनिवार्य है और अकिंचित कर, कमल कुमार जी दो बातें, निमित्त सदा अनिवार्य भी है और अकिंचित कर ही होता, तब वो निमित्त कहला, रागादि रूप और अज्ञान रूप परिणाम का निमित्त भले हो सकता है परंतु निमित्त करता नहीं है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध होंगे, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम। अभी इसके उपलक्ष्य में अपन वो स्तुति पढ़ रहे थे, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं रस रूपी परसी परसे कुछ भी समझ, रंग राग से भिन्न भेद से ही मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड से अन्न पिंड रमने वाला हूँ, मैं मेरा करता दरता करता कुछ काम नहीं, प्रभावी हूँ आत्मानुभूति से प्राप्त कर।